ये डिज़ाइन अगर आप 5 मिनट में इस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ये जो आपको दिख रहा खूबसूरत वेबसाइट है, जो भी फैसिलिटी है, जो भी सारी चीज़ें इसमें हैं, वो सारी फैसिलिटी और सारी फंक्शनैलिटी अगर आप रखना चाहते हैं तो विद इन 5 मिनट के अंदर अंदर आप कैसे कर सकते हैं, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं एक सैम्पल लेके चलता हूँ और यहाँ पर मैं एक डेमो क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं ये डिलीट कर दूँगा क्योंकि आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक, मैं अभी यहाँ पर चलता हूँ, एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करें तो नया एकदम फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे किधर के वर्डप्रेस, मेरे ऑलरेडी इस पे वेबसाइट है जो चल रहा है इस डोमेन पे, मैं एक दूसरा ये mahamart.in के नाम से ऑलरेडी चल रहा है, तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ और एडमिन 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 इसका एडमिन ही रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जो इसके सिर्फ सैम्पल के लिए दिखाना, यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्ट। ठीक है, अब ये सब कुछ हो गया, अब यहाँ पे हमें कर लेना है इंस्टॉल। ठीक है, जैसे ही मैंने इंस्टॉल किया, अब ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अभी देखिए मैंने आपको 5 मिनट बताया था, अभी कितने मिनट हो गए, 2 मिनट हो रहे हैं, अभी 10:08 हो रहे हैं। ठीक है, मैंने 10:00 हमने 10:02 पे शुरू की थी, लगभग हमने 10:04 या 5 मिनट पर स्टार्ट की थी। खैर कोई नहीं, यहाँ पे आप देखिए ये बहुत ज़्यादा बहुत ये आपकी वेबसाइट अभी रेडी हो चुका है। आप ये देखिए mahamart.in के नाम से ये लॉगिन हो चुका है। इसमें जो फालतू की चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती वेबसाइट के लिए, बहुत बेकार चीज़ें होती हैं, इसको आप यहाँ से सबको हटा दीजिए। ठीक है, कुछ प्लगइन्स भी हैं, वो प्लगइन्स भी मैं हटा देता हूँ और ये सारे प्लगइन्स हैं, इसको मैं कर दिया डिलीट से। अब जो फीचर्स उस वाले चीज़ पर था वहाँ पे था, वो सारी फीचर्स में ला के यहाँ पर रख देता हूँ विद इन 5 मिनट्स। जी, उस तरह की जो वेबसाइट है ये सब कुछ मैं यहाँ से रिमूव कर दिया, आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गया। देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे फ्रेश हो गया, एकदम इजी, कुछ नहीं है इस पर। अब क्या करना है, ना आपको थीम अपलोड करनी है, ना कुछ करना, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, सिर्फ प्लगइन पे जाना है, ऑल इन ऑन के नाम से जो प्लगइन है उसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, ऑल इन ऑन प्लगइन। और हमने वहाँ पे क्या किया था, और सेम इंस्टॉल आपको यहाँ पे भी करना है, ऑल इन ऑन प्लगइन आपको जो पुरानी वाली वेबसाइट है यहाँ पे भी करना है, और यहाँ पे करने के बाद ये आपका हो जाएगा ऑल इन ऑन प्लगइन। आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करके अब जिस तरह से मैंने दिखाया आपको फ़ाइल आ गया, उस तरह से उसका फ़ाइल यहाँ पर ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए, डाउनलोड कर लीजिए, और फाइल आने के बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको इंपोर्ट करना है। वहाँ पे क्या करा था, आपने एक्सपोर्ट किया था, आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। राइट, ये इंपोर्ट पर क्लिक करेंगी और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया इंपोर्ट का ऑप्शन। अब यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि देखिए 80 MB का है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ अगर अपलोड करेंगे तो ये सारे ज़्यादा MB का होगा, मेरे ख्याल से 102 MB का है, तो ये लेगा नहीं। ठीक है, तो इसके इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेंगे, इसके इंक्रीज़ के लिए दो ऑप्शन है, यहाँ पे देखें कि इंक्रीज़ योर मैक्सिमम ऑप्शन, तो इसके इंक्रीज़ करने के लिए दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप सी पैनल में जाकर कर लें, सी पैनल में जाकर सर्च करें, यहाँ पे सी पैनल में सर्च कर लें PHP, यहाँ पर जैसे PHP सर्च करेंगे सी पैनल में, तो यहाँ पर आ जाएगा वर्जन, यार यहाँ पर आ जाएगा मल्टी INI एडिटर, तो आप यहाँ पर ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं, जैसे जो सब डोमेन था हमारा, ये डोमेन है मेन डोमेन हमारा ये है। अब इस डोमेन पे हमें चेंजेस करना हो, मैक्सिमम डेटा बढ़ाना हो, तो यहाँ पे 80 था, मैं इसको 800 कर देता हूँ। जैसे मैंने इसको 800 किया तो ये जो है 800 का अकॉर्डिंग चेंज हो गया। ठीक है, अभी मैं ये चीज़ देख लेता हूँ कि यहाँ पे चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से इसमें देखिए 200 MB आ गया, 200 MB अभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये 200 MB के अकॉर्डिंग भी आप करना चाहिए, लेकिन मैंने आप वहाँ तो किया 800, बट यहाँ पे 200 क्यों आ गया, देखिए 200 रीज़न ये है कि यहाँ पर जो सेलेक्शन है ये 200 का किया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जैसे ही आप करेंगे, यहाँ पे 800 करेंगे तो 800 आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ये जो मैक्सिमम अपलोड मैक्सिमम है तो ये आपका 800 आ गया, यहाँ पे आप रिफ़्रेश कीजिए, यहाँ पे 800 आ गया। दूसरा ऑप्शन इसका ये है कि आप इसके लिए प्लगइन यूज़ कर लीजिए, आप यहाँ पे सिर्फ यही वर्ड है, इस वर्ड को कॉपी कर लीजिए और कॉपी करके यहाँ पर एक प्लगइन यूज़ कर लीजिए। अगर आपके पास सी पैनल नहीं है, इनकेस सी पैनल नहीं है, तब जाके ऑप्शन है, अगर सी पैनल तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, आप प्लगइन यूज़ कर लीजिए, ये वाले प्लगइन है, इस प्लगइन का आप यूज़ करिए। मैं इस प्लगइन के तहत आप 1 GB तक मैं आपको करके दिखाता हूँ, जो 1 GB तक आप कितना आप ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर यहाँ पे मैं इंपोर्ट वाले पे क्लिक कर दे ताकि मेरा इंपोर्ट का भी काम चलता रहे। यहाँ पे मैं अभी इंपोर्ट, यहाँ पे ये फाइल,
और ये जो मैंने अभी डाउनलोड किया था ये फाइल, मैं यहाँ पे इंपोर्ट शुरू कर देता हूँ। ये हमारा फाइल जो है इंपोर्ट होना शुरू हो चुका है। ठीक है, अभी मैं आपको और दिखाता हूँ कि इसमें इंक्रीज़ किस तरह से करेंगे, अब इस प्लगइन के थ्रू अपना जो मैं जो अपलोडिंग जो इंक्रीज़ है वो कैसे करेंगे। यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन ये दिख रहा है, ये ऑप्शन आप 1 GB कर दीजिए, उसका सेलेक्ट कर दीजिए। अभी आप 1 GB तक जो है आप प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। अब देखेंगे जब आपके 1 GB तक हुआ या नहीं हुआ तो आप चेक कर सकते हैं। मीडिया में जाएंगे और मीडिया में जाने के बाद आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ 1 GB तक जो है आप मैक्सिमम फाइल अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब चाहे जितना चाहे जिस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अभी हमारा जो ये काम अभी चल रहा है, अभी हमारे पास 8:12 हुए हैं, यानी 4 मिनट हमारे पास हुए हैं। अभी 1 मिनट बाकी है जिसमें बताया था कि 5 मिनट। तो अभी ये जो है 75% ऑलरेडी हो चुका है एडिट ना, ये अपलोड हो चुका है। अभी इसमें थोड़ा सा रह गया है। अच्छा, ये इसका जो पासवर्ड होगा, ये पासवर्ड लॉगिन पासवर्ड ये वही पासवर्ड होगा जो आपके पुराने वाली वेबसाइट का था। अब बाद में उसको चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं, अपना यूज़र नेम खुद से बनाना चाहें बना सकते हैं। लेकिन जो पुरानी वाली वेबसाइट की जो पासवर्ड थी सेम आपको वही पासवर्ड, उससे आप लॉगिन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, लॉगिन साइन अप करेंगे। बाद में आ गए सर, शुरू में आपका हाथ से आ गई। देखिए ये जो है अभी 97% हो चुका है। चले वो भी मैं बता दूंगा आपको, जो शुरू में समझ में नहीं आया, देखिए 99% हो गया और ये हो गया 100% डन। ठीक है, अभी 100% डन हो गया। अब इसमें क्या करना रहेगा, अब ये कुछ देर में अभी ये माइग्रेट होना शुरू हो जाएगा। अब मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे हुआ है कुछ नहीं हुआ है, अभी तक ये कुछ नहीं हुआ है। अभी इम्पोर्ट होना शुरू होगा इस पर,